उनमें स्पेशली पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को बजाय किसी और किस काम में इन्वॉल्व करने के आप बर्ड्स की तरफ लाएं, बर्ड्स में लाने की उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनको आपसे आप उस टूर की पॉकेट मनी मांगनी नहीं पड़ेगी, और इसके अलावा वो मनफी सरगर्मियों से बच के रहेंगे, क्योंकि जिसने बर्ड्स रख ये लोग अगर इस कारोबार में आना चाहते हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे, कौन सी चीज़ रखें जिसमें रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, बस कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंसरा बेदर रोड बर्ड मार्केट में। बर्ड मार्केट में मैंने एक बहुत ही खूबसूरत दुकान एक्सप्लोर की है राशिद बर्ड के नाम से। तो छोटे लोग इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल में प्याज जैसी बात को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिन्होंने की उनकी बड़ी मेहरबानी। तो चलिए वीडियो की जानब बढ़ते हैं, आप लोगों को साबित तरीके तजर्बा भी शेयर करते हैं और बर्ड मिलकर दिखाते हैं। वीडियो में साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं साजिद भाई की दुकान में एंटर हो रहा हूँ। साजिद भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा चले आज आपकी दुकान को लोगों को शो कराते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल। क्या पोजीशन जा रही है जी मार्केट की? हाँ, वो तो हर दुकान तकरीबन मेरा ख्याल मैं दे रहा हूँ, माल कम ही रखते हैं ना, उसी वजह से माल कम किया हो रहा है। तो वैसे हालात कैसे हैं जी मार्केट के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो मैंने सुना है, लोग कह रहे हैं जी बर्ड्स का काम खत्म हो गया जी, अब नहीं जी ये वो। जैसे यूँ समझे कि जो ब्रोकर्स हैं ब्रोकर असरात के काम कर रहे हैं, बाकी नॉर्मली जैसे चल रहा था बर्ड्स का बिजनेस वैसे ही चल रहा है, ठीक है ना। बहरहाल जी लोगों की बातें जो इम्पोर्टेंट है वो भी परेशान है, बहरहाल काम तो चल रहा है जी, रुकता नहीं है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स का काम यूँ समझे सदाबहार है। इसका कोई इशू साहब भाई, मेरे ख्याल में साथ साथ आपकी बातें भी करते हैं, सुनते हैं, आपका तजर्बा भी शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो मेरे व्यूज को आप अपने परिंदों का शौक करें, ठीक है जी। साजिद भाई की दुकान का नाम है जी राशिद बर्ड्स। इनके पास हर किस्म के केजेस, तमाम किस्म के परिंदों की अद्वियात वगैरह भी मौजूद रहती हैं। यह आप चेक करें, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दुकान उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा साजिद भाई, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत परिंदे मेरे सामने लगे ना जी। अमेरिकन फैंटेल हैं ये। अमेरिकन फैंटेल एंड यूरो कैली के चेक्स हैं ये। तो साहब भाई इनका रेट क्या होता है जी? ये तकरीबन ब्रीडर पेयर का हो जाता है 14 से 15 हज़ार का पेयर। ये भी जीरो कैली के चेक्स हैं, ये 4500 का पेयर है। 4500 का पेयर है, ठीक है। फीमेल मेल कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म है। ये पेयर में अक्सर यूँ ही होता है कि मेल फीमेल ही निकलते हैं। अच्छा जी, नीचे जो है ये ब्लैक चाइनीज आउल का पेयर है। चाइनीज आउल, ठीक है। अच्छा साहब ये कितने का पेयर है? ये 4000 का ब्रीडर पेयर है। ब्रीडर पेयर है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये क्या? अमेरिकन सेंटेल का ब्रीडर पेयर है, ब्लैक में मेल पड़ोगे और जो टाइल कलर में रेड कलर में की मेल है। और इसका रेट क्या है? ये पेयर मिल जाएगा 10000 का। फाइनल रेट होते हैं ये साहब भाई? नहीं, थोड़ा बहुत तो गुंजाइश होती है, ऊपर नीचे हो जाता है, फाइनल तो कुछ नहीं है। और ये वाइट मोतियों वाले कबूतर हैं, हाई फ्लायर पिजन है। ये कितने का पेयर है जी? ये तकरीबन 6000 का पेयर है। और ये साथ वाला भी हाई फ्लायर पिजन है, ये रिच चिक्स मिल जाएगा 7500 का, ठीक हो गया। और ये इसमें ये नीलदो में हाई फ्लायर पिजन है। अच्छा, ये जो हवा में उड़ते हैं ना? जी जी, सही हो गया। ये आपको मिलेगा, आपको तो नहीं, व्यूअर्स के लिए सही है, रेट 7000। और ये भी सेम चीज़ है ना? हाँ, ये ब्लैक है, ये कल्दू में कबूतर है। सही हो गया। अच्छा माशाल्लाह जी बड़े खूबसूरत जी। ये मिली फ्लावर है। मिली फ्लावर? हाँ जी, ये ट्रायो है, दो फीमेल और एक मेल का। अच्छा, ट्रायो किसको बोलते हैं मेरे को उसको समझा दें। ये ट्रायो यूँ समझे कि आपके पास अगर दो फीमेल है और एक मेल है, या तीन फीमेल और एक मेल है, तो ये ट्रायो बन जाते हैं, सेट भी कहा जाते हैं। सही हो गया। एक मेल और एक फीमेल को पेयर कहा जाता है। और ये अंडे दे रहे हैं कि नहीं फिलहाल? नहीं, फुल वक्त नहीं दे रहे, अभी आजकल मोल्टिंग का सीजन है। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ये अंडे शुरू कर लेंगे। और साथ में इनका रेट क्या है? ये 7000 का पेयर। 7000 का पेयर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये मेरे ख्याल में बेल्टम है ना? जी, ब्लैक कोचीन, ब्लैक बेल्टम भी कहते हैं इसे। ब्लैक बेल्टम, ये कितने का पेयर है? ये 3200 का। ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त है ना जी। और ये कैली फीमेल है ना जी? ये मिली फ्लावर। हाँ, मिली फ्लावर की फीमेल है। सही हो गया।
साथ में ये जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है माशाल्लाह काफ़ी ये ब्लू शिरासी का पेयर है। अच्छा काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद और लेंथ में भी काफ़ी ठीक है। पॉइंट इनके भी पॉइंट होते हैं ना? जी जी पॉइंट होते हैं, इनकी मार्किंग होती है, ये कटिंग होती है इनकी, कटिंग होती है। और ये कितने का पेयर है? ये 4000 का। 4000 का। और ये पॉलिश है ना? जी वाइट पॉलिश है ये। पॉलिश तो बड़े माशाल्लाह महंगे हैं। आजकल थोड़ा रेट डाउन जा रहा है, पहले ये काफ़ी यानी एक्सपेंसिव हुआ करते थे, आज से 2-4 माह पहले। असल में खुराक महंगी होने की वजह से भी काफ़ी सारे लोग खुराक अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या ख्याल है? उस वजह से पोल्ट्री पे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा है। पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। और ये कितने का पेयर है? ये अभी 6500। और ये नीचे फिर कौन सा है? ये मिली फ्लावर है, रेड में। ये कलर और नस्ल चाहिए, नस्ल वही है, कलर चाहिए ना? नस्ल वही है, ब्रीड सेम है लेकिन कलर सेम है, डिफरेंट कलर में। और ये कितने का पेयर है? ये 6500 का। 6500 का, ठीक हो गया। दूर हो गया धक्का पड़ता है। अच्छा साजिद भाई, अपनी दुकान का नाम भी बता दें, लोकेशन भी समझा दें मेरे भी उसको। दुकान का नाम है राशिद ब्रदर्स। सही है। और लोकेशन इसकी है बेरला रोड, नाजमुरात प्लाजा, मानसेरा। अच्छा साजिद भाई, ये कौन से पिजन है जी? ये चेरी सेटेलाइट का पेयर है। मेरे सेटेलाइट, हाँ जी। माशाल्लाह जी, चोंचें जैसे होती हैं ये, बिल्कुल चूहे जैसी है ना? हाँ, तोते जैसी। हाँ छोटी चोंच में आ जाए। ये कितने का पेयर है जी? ये 4500 का। 4500 का, ठीक हो गया। और ये भी सेम चीज़ें? हाँ ये ब्लू में आ जाते हैं, ये ब्लैक चेरी में। अच्छा कलर की वजह से इनकी नस्ल वही है? और जी नस्ल वही है, नस्ल सेम है लेकिन इनका कलर का डिफरेंस है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं जी। और ये भी ब्लू सेटेलाइट है। और रेड इनका? ब्लू सेटेलाइट का रेट वही है, 4500-4000। सही हो गया। ये लुटीनो? जी ये कॉमन लुटीनो है। अच्छा साथ में ये जो बर्ड आप परचेज करते हैं, ये यही मार्केट से लोकल मार्केट से कि नहीं किसी और इलाके से लाते हैं जी? जी कोशिश करते हैं ज़्यादा लोकल ही लें, अगर से लोकल ना मिले तो फिर किसी और इलाके से हमें परचेज करने पड़ते हैं। लोकल का ये होता है कि एडजस्टमेंट का इशू नहीं आता। ये बात वाकई में बड़े लोग नहीं होती। और ये लुटीनो कितने का पेयर हो गया जी? ये 4500 का। खरीदने का रेट भी उसको साथ में बता दी लुटीनो? खरीद का कुछ ऐसा नहीं होता, खरीद का यूँ समझे जो चीज़ 3-4000 की है, सही है, उसमें 500-700 का हमारा मार्जिन होता है। सही हो गया, सही हो गया। वही 500-700 ऊपर नीचे होता है, उसी में परचेजिंग होती है। साइज भी काफ़ी केज में खाली देख रहा हूँ आपकी दुकान, तो माशाल्लाह हर वक्त भरी होती है। ये सावन महीने की वजह से? हाँ ये इस मंथ की वजह से काफ़ी चीज़ें यानी कि कम की होती है ना। सही हो गया जी। इन दिनों खरीदारी यानी कि बंद होती है। खरीदारी बिल्कुल बनी। दोस्तों ये कौन सी नस्ल की चिड़िया जी? ये स्ट्रॉबेरी फ्रेंच है। स्ट्रॉबेरी फ्रेंच, अच्छा ये ब्रीड करती हैं? हाँ ब्रीड करती हैं लेकिन इनके लिए कैज आपको थोड़ा बड़े साइज़ का लगाना पड़ता है। और ये कितने का जोड़ा है? ये 800 का पेयर। अच्छा माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और ज़्यादा मिकदार में है ना? 250 माशाल्लाह। और ये कौन सी? ये कॉमन फ्रेंच है, ब्लैक चीक, ज़ेब्रा चीक, वाइट चीक। माशाल्लाह। अच्छा भाई ये बातें तो होती नहीं, मैं आपसे एक दो सवाल करता हूँ। जी जी थोड़ा हमारे भी उसको साथ साथ आप गाइडलाइन, ये लोग अगर इस कारोबार में आना चाहते हैं तो आप उनको क्या मशवरे दें, ये कौन सी चीज़ रखें जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा हो? ज़्यादा फायदे और कम फायदे की बात तो अलग से आ जाती है, मतलब मेरा कहने का ये जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पोल्ट्री में आएँ, ये फैंसी पोल्ट्री की तरफ आएँ या लव बर्ड की तरफ आएँ या दूसरे बड़े जो आजकल जैसे बड़े तोते ग्रीन चिक्स और ये रा ये इन चीज़ों की तरफ? सबसे पहली बात तो ये है कि देखें जिस चीज़ का आपको शौक है आप उसमें वो करें, इंटरेस्ट शो करें अपना या उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो काम आप शौक के साथ कर सकते हैं वो आप बिना शौक के सिर्फ प्रॉफिट के माइंड से नहीं कर सकते। सही है। आपको इन्वेस्ट उसमें करना चाहिए जिसमें आपका शौक है, और अगर आपका शौक पेरेंट्स में या ये छोटे स्पीशीज जितने भी हैं इनमें, तो आपको चाहिए आप एग्जॉटिक बर्ड्स में इन्वेस्ट करें। एग्जॉटिक बर्ड्स की ये होगा सीजनल ब्रीड होती है लेकिन उसका एकदम से इनपुट आउटपुट आपको मिलता है, वो बेस्ट रहता है। सही है। बनिस्बत इन छोटे बर्ड्स को मैं लव बर्ड्स का भी लगा लें तो अच्छा भी है लेकिन मैं उसका कह नहीं सकता कि उसकी मार्केट स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। यही बात है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। एग्जॉटिक बर्ड्स का कुछ सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि ये इसका रेट डाउन होता मैंने नहीं देखा। अच्छा यानी 2013-14 से मैं शॉप कर रहा हूँ, उसके बाद से आज तक इनके रेट मैंने हर साल बढ़ते देखे, डाउन होते नहीं देखे। एग्जॉटिक बर्ड्स में इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल सेफ रहती है, किसी किस्म का आपको डर नहीं रहता। सही बात है, बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें ये बेस्ट है। तो क्या कह रहे हैं कि मार्केट इंशाल्लाह दोबारा काम शुरू हो जाएगा इस महीने के बाद है ना? मार्केट्स पे इतना इफेक्ट तो नहीं हुआ। अच्छा बंदा कहे कि बिल्कुल ही मार्केटें रह गई हैं, इंशाल्लाह दोबारा तरह ये स्टेबल होंगी। सिर्फ यूँ समझे कि मुल्की हालात की वजह से थोड़ा अप डाउन लगा हुआ है। साजिद भाई मैं इंशाल्लाह आपका जो ये मेडिसिन का सेटअप भी आपने माशाल्लाह काफ़ी रखा हुआ है। मेडिसिन वगैरह साथ है, साथ छोटी पड़ी हुई है। साजिद भाई मैं इंशाल्लाह आपको हर इतवार वाले दिन तंग करूँगा,
जी जी मोस्ट वेलकम। मेरा ये जहन है कि लोगों को हर इतवार के द्वार इस मार्केट की अपडेट देता हूँ, ठीक है जी जी। उसमें आपकी दुकान मुझे काफ़ी खूबसूरत लगी, सबसे पहले मैंने ये बिस्मिल्लाह आपकी दुकान से की है, तो इंशाल्लाह मैं आपके पास आता रहूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी मुझे, सबसे बड़ी बात जिंदगी की है ना जी, बेशक बेशक। तो आपका तजर्बा भी लोगों के साथ शेयर करूँगा। आखिर में आप मेरे भी उसको कुछ पैगाम देना चाहें या कुछ बात करना चाहें तो पैगाम तो सिर्फ इतना ही देना चाहूँगा व्यूवर्स को, और उसके अलावा जितने हमारे शौकीन हज़रात हैं या जितने देखने वाले आपके व्यूवर्स हैं, उनमें स्पेशली पेरेंट्स को, कि आप अपने बच्चों को बजाय किसी और किस काम में इन्वॉल्व करने के आप बर्ड्स की तरफ लाएं। बर्ड्स में लाने की उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उनको आपसे आप उस उनकी पॉकेट मनी मांगनी नहीं पड़ेगी, और इसके अलावा वो मनफी सरगर्मियों से बच के रहेंगे, क्योंकि जिसने बर्ड्स रख ली है वो बर्ड्स के ब्रीडर बन गए, उसके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो किसी और मनफी सरगर्मी में। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, ये नहीं, ये सच है, ये रियलिटी है। ठीक बात कही है जी, ये मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। ये जिसने बर्ड्स रख लिया उसके पास बाकी टाइम ही नहीं है कि वो किसी और मनफी सरगर्मी में इन्वॉल्व हो सके। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके बाद मैं व्यूवर्स से यही इल्तमास करूँगा बल्कि कि हमारे ये बहुत अच्छे प्यारे उमेर भाई हैं, इनके चैनल को देसी इम्तिहाज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बड़ी मेहरबानी, यही व्यूवर्स की मोहब्बत है हमारे। बड़ी मेहरबानी, चलें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। अल्लाह हाफिज़ जी।